गाइस अगर कन्याकुमारी आप आ रहे हैं तो इस टावर पे आप जरूर जाएं, यहाँ से पूरी कन्याकुमारी दिखती है। और दूसरी चीज ये है कि 10 रुपीज में आपको ये पूरी यात्रा वाई लिफ्ट कराई जाएगी। ये देखिए ये है टावर, अभी हम चलते हैं लिफ्ट से ऊपर क्योंकि यहाँ पे हम लोग थक चुके हैं, तो माता पिताजी अभी चढ़ तो नहीं सकते सीढ़ियों से, तो अभी हम लिफ्ट का सहारा लेते हैं। सर कितनी देर में लौट जाएंगे हम लोग? 15 मिनट में, 15 मिनट आधा घंटा आपकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। 10 रुपया छुट्टी का दिन सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक, बाकी दिन 3 से लेकर 6 बजे तक। ये ओल्ड बस स्टॉप वाली रोड पे है ना? ओल्ड वाले बस स्टॉप। सो ये काफी अच्छा व्यू है और यहाँ पे फोन भी अलाउ है, तो हम अभी ऊपर से व्यू शूट करेंगे। चलिए टिकट हमने ली है, 30 रुपए में 3 टिकट मिल गई है और हमें 20 रुपीज वापस दे दिए हैं सर ने। अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या कुछ जो व्यू है ऊपर से कन्याकुमारी जी का वो है। तो ये हमें लिफ्ट के थ्रू लेके जा रहे हैं, तो ये एडवेंचर राइड हो गई मेरे हिसाब से। तो अगर आप आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे जरूर आएं, बिकॉज ये काफी शांत जगह है जहां से आप पूरे कन्याकुमारी का जो व्यू है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे है आपका लिफ्ट, लिफ्ट के थ्रू आप सीधा जाएंगे इस टावर के ऊपर। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक टावर या व्यू टावर? व्यू टावर नहीं, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट हाउस, लाइट हाउस। सो ये लाइट हाउस है कन्याकुमारी का। लिफ्ट के अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी एंड लिफ्ट से सीधा जाएंगे ऊपर एंड देन जो पूरा व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लिफ्ट आ गई है नीचे, अभी बैठते हैं और लेते हैं आनंद इस लाइट हाउस का। तो ये है भाई कन्याकुमारी का लाइट हाउस, ये देखिए। ये यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर, ये लिफ्ट को क्लोज किया एंड देन ये है बाहर का व्यू। तो बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाएगी। अभी देखिए, अब आप समंदर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए माता पिताजी देख रहे हैं, यहाँ पूरा सागर यहाँ से आपको दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी जो कि मुझे कन्याकुमारी में देखने को मिली, नो डाउट अमेजिंग। ये हमारी राइड में 4 चांद लगने वाली बात हो गई, बहुत अच्छा है ये लाइट हाउस। 3 जगह पर पानी, 1 जगह पर पहाड़ी। 3 जगह पर पानी दिखेगा और 1 जगह पर पहाड़ी, ऊपर जाने के बाद उधर ऊपर साइड में पहाड़ी है, पहाड़ी है। ओके सो ओके, एंजॉय करो, कितना टाइम भी रुक सकते हो। ओके सो नाउ यू कैन सी हियर इज द व्यू एंड यहाँ पे आपको पहाड़ियां दिखेंगी जैसा कि ये बता रहे थे, और यहाँ पे आपको दिखेगा समंदर, 3 तरफ से समंदर ही समंदर है। ये देखिए पूरा समंदर 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 एंड देन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहाड़ियां दिखेंगी। ये देखिए, ये देखो माता जी हमारी, ये देखिए, ये है पूरा व्यू। सो वाकई हमारी यात्रा में 4 चांद लग चुके हैं जो कि इस लाइट हाउस की वजह से लगे हैं। आप देखिए व्यू कितना शानदार है, यहाँ से आप पूरा लुत्फ ले सकते हैं, चाहे वो आपका विवेकानंद रॉक हो या फिर कोई एक स्टैचू हो या पर्टिकुलर आप देखेंगे तो पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है। सो नो डाउट इट्स रियली अमेजिंग एंड ये काफी एडवेंचर राइड हो गई है, नो डाउट। अभी मैं आपको एक व्यू और दिखाता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा पूरा जो हिल है वो, एक साइड आपको हिल दिखेगा और 3 साइड आपको दिखेगा सी। सो ऑलमोस्ट ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन दृश्य है यहाँ का और यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं नो डाउट। बाकी जो सिटी है कन्याकुमारी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा व्यू काफी जबरदस्त लग रहा है नो डाउट। सो अगर आप कन्याकुमारी विजिट कर रहे हैं आई थिंक आपको इस लाइट हाउस पे जरूर आना चाहिए, बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। अगर आपको सेल्फी लेना है, रील्स बनानी है, वीडियोस बनाने हैं तो भाई इस जगह पे जरूर आएं। और मैं कहूंगा यूट्यूबर्स के लिए ये जगह काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ से आप पूरा रिकॉर्ड कर पाएंगे, बाकी मंदिरों में तो भाई रिकॉर्ड नहीं करने देते। सो ठीक है क्योंकि उसमें बंदा पूजा पाठ कर लेता है ढंग से, पता चले वीडियो ही बनाता रहे। सो ये था आज का वीडियो जो कि बहुत बेहतरीन रहा, इसी तरीके से पूरे ब्लॉग मैंने शूट किए हैं भाई, चैनल पे देख लेना। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है हमारी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रीत दुबे ब्लॉग्स इसी तरीके से बहुत सारे नए ब्लॉग आपके लिए लेके आता रहेगा। भाई साहब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देख रहा हूँ करो, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा।